शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर अरब सागर से घिरा हुआ खूबसूरत सा एलिफेंटा आइलैंड घूमने के लिए देश और विदेश से लाखों टूरिस्ट आता है, क्योंकि ए आइलैंड फेमस है अपने प्राचीन गुफाओं के लिए। यहाँ का नेचर यादव प्यार, ये सनसेट और यहाँ का समुद्र और एक क्यूट सा बंदर टूरिस्ट को अपने ओर आकर्षित करते हैं। इस आइलैंड पर कितने जगह पर आप घूम सकते हो और आपका कितना खर्च होगा यहाँ पर आने का? सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है, इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। एलिफेंटा आइलैंड जाने के लिए आपको सबसे पहले आपके नजदीकी रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़कर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस इस रेलवे स्टेशन तक आना होगा। सीएसएमटी से बाहर आप जैसे आओगे तो आपको ये वाला बस स्टॉप दिखेगा, यहाँ से आपको 116 नंबर बस पकड़ के गेट ऑफ इंडिया चले जाना। स्टेशन से आपको गेटवे ऑफ इंडिया जाने के लिए हर 10 से 20 मिनट में ऐसी बसेज मिल जाएगी और यह बस आपको ओनली RS6 के टिकट में 10 मिनट का सफर करते हुए गेटवे ऑफ इंडिया के सामने इस जगह पर उतार देगी। स्टेशन से आने के बाद आपको यहाँ पे इस जगह पे टिकट ले लेनी है एलिफेंटा केव के लिए, जो पर पर्सन 260 रुपया। सुबह से 9 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक गेटवे ऑफ इंडिया के सामने एलिफेंटा जाने के लिए आपको हर 20 से 30 मिनट में बोर्ड सर्विस मिलती है। जो टिकट आप यहां से लेते हैं उसे टिकट को रिटर्न आते वक्त दिखाना होता है। फाइनली हमारे वोट गेटवे ऑफ इंडिया से निकल चुकी है और 260 रु टिकट लेने के बावजूद अगर आप इस बोर्ड के ऊपर बैठना चाहते हैं तो 10 रु एक्स्ट्रा देना होता है। इस बोर्ड के ऊपर से पूरा समुद्र का व्यू नजर आता है। अगर आप सोमवार को आने की मंडे को दिन अगर आप एलिफेंटा केव आना चाहते हैं तो मत आना, क्योंकि सोमवार के दिन ना टूरिस्ट के लिए एलिफेंटा केव बंद रहता है। 1 से 1.5 घंटा खूबसूरत सफर तय करने के बाद वोट आपको आइलैंड के एलिफेंटा में उतार देगी। एलिफेंटा आइलैंड में बोट से उतरने के बाद थोड़ा सा चलकर आते ही आप 18 रुपए का टिकट निकालकर इस टॉय ट्रेन के द्वारा एलिफेंटा के मेन द्वार तक जा सकते हैं। टॉय ट्रेन से उतरने के बाद एलिफेंटा के गुफा तक जाने के लिए आपको लगभग 120 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना होता है। रास्ते से जाते वक्त आपके यहाँ के लोगों द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट ज्वेलर्स और समुद्र के पत्थर से बनाए गए आर्टिफैक्ट पेंटिंग इस तरह खूबसूरत देखते हुए आप 20 मिनट में एलिफेंटा के गुफा के पास पहुंच जाएंगे। गुफा आने के लिए आपको 45 रुपीज आपको पे करने पड़ेंगे टिकट के लिए, आप एलिफेंटा केव आ सकते हैं। एलिफेंटा के पहले गुफा में प्रवेश करते ही आपको बहुत ही प्राचीन काल में बने पुरानी मूर्तियां देखने को मिलेगा और अंदर में एक शिवलिंग भी देखने को मिलेगा। इस गुफा को, इस पहाड़ को काटकर इन गुफाओं का निर्माण किया गया था और आप रास्ते में चलते वक्त इन बंदरों से सावधान रहें, जो भी खाने पीने का सामान देखते ही वह छीन लेते हैं। फेंटा गुफा से निकलने वक्त आपको रास्ते में एक कैनन हिल दिखेगा, वहां से गुफा जहां से वहां से आपको एक रास्ता दिखेगा, वहां से आ जाना। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, एलिफेंटा गुफा आते हैं और वहां से ही वापस चले जाते हैं। ऊपर में देखने के लिए बहुत सारे चीजें हैं। का सबसे सुंदर और सबसे ऊंचा कैनन हिल है और इस पॉइंट तक जाने के लिए आपको 30 सीढ़ियां चढ़कर और खूबसूरत नेचर के बीच में 10 मिनट का सफर करके इस कैनन हिल आइलैंड के छोटी पर आ जाते हैं। यहाँ पर आते ही आपको 1 टन से ज्यादा वजन की तोप नजर आएगी। ये तोप एलिफेंटा की सुरक्षा के लिए लगाया गया था। दोस्तों, एलिफेंटा घूमने के चक्कर में आप ये मत भूल जाना कि यहाँ से ना लास्ट बोट 5:30 बजे की टाइम होती है। 5 बजे आपको यहाँ से निकल जाना, 5:30 बजे आपको लास्ट बोट मिलेगी, उससे आपको चल जाना। दोस्तों, आप पूरा एलिफेंटा केव घूमने के बाद आपको लगभग 500 से 600 रुपए लगेंगे पूरे टिकट वगैरह लेके। आपको 600 में आप पूरा एलिफेंटा घूम सकते हैं। और मैं अभी जहाँ पे हूँ ना,
ये एलिफेंटा के बाहर जहाँ पे कैनन हिल है यहाँ पे आप जरूर आएँ। ये काफ़ी यहाँ पे शानदार है, ये पहाड़ी पे काफ़ी खूबसूरत है। अभी हरियाली नहीं है तो बारिश में ये सब जो पेड़ आपको ना काफ़ी हरी भरी देखने को मिलेगा, तो यहाँ आप जरूर आएँ। एलिफेंटा केव से वापस नहीं चले जाएँ, यहाँ पे आने काफ़ी घूमने लायक है। आज के ब्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद है कि आज मैं आपको दिखाया एलिफेंटा केव आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल में नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।